फैसल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, हमारी सरकार बनते ही खाली पड़े हुए जो 2 लाख पद हैं उन पर पक्की भर्ती कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनते ही खाली पद भरने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का यह बड़ा बयान सामने आया, बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। टीजीटी की भर्ती को लेकर सरकार खुद स्टे ले रही है। स्टे ले रही है और क्या कर रही है, कुछ कर रही है। ये इन्होंने 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। हमने कहा अभी सरकार हमारी बनेगी तो 2 लाख नौकरियां हम पक्की लगाएंगे। इन्होंने जो किया है रोजगार कौशल रोजगार योजना जो चालू की है वो ना तो पक्की नौकरी है, ना रिजर्वेशन है, ना मेरिट है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है।